Parts of a speech, or rather, we are doing parts of a speech under English grammar. We started off with noun, pronoun, adjective, verb, and then we also did tense formation, active voice, passive voice, composition, letter writing. एंड क्लॉज एंड सो ऑन सो फोर्थ हमने काफ़ी कुछ ग्रामर में सीख लिया होगा समझा होगा नए नए शब्द तो आए ही प्लस सेंटेंस फॉर्मेशन हमने सीखा हाउ वी मेक सेंटेंसेस कौन सा शब्द कहाँ पर आता है अंग्रेजी वाक्य में इसको भी हमने काफ़ी कुछ सीखा अब हम कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ और हिस्सों को छूने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू टच अपॉन सर्टन मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच देर आर फोर मोर पार्ट्स लेफ्ट पार्ट ऑफ ग्रामर एंड दैट वी हैव टू डू एंड वन इज एडवर्ब देन कंजंक्शन प्रिपोजिशन Interjection, they are they are relatively much more easier. The most important things were grammar, or the most important things of grammar were something like tense formation, understanding of nouns, and of adjectives, how to make adjectives. That you have done, the most difficult part you have done, if at all I say most difficult. यू हैव डन नाउ वी कम टू रिलेटिवलीजियर पार्ट एंड सो लेट्स कम टू दिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड द एड वर्ब क्रिया विशेषण एड वर्ब यानी इट हैज समिंग टू डू विथ वर्ब क्रिया विशेषण यानी इसका विशेषण और क्रिया दोनों का एक दूसरे से कुछ संबंध है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण और क्रिया दोनों का एक दूसरे से कुछ संबंध है यहां पर जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस लेसन इज अबाउट क्रिया एंड विशेषण वर्ब एंड एडजेक्टिव इसीलिए वो क्रिया विशेषण कहलाया इसीलिए वो एड वर्ब कहलाया एडजेक्टिव से एड लिया और वर्ब तो एड वर्ब बन गया लेट अस लुक एट सम राम रंस राम दौड़ता है राम क्या है संज्ञा नाउन दौड़ता है क्या है क्रिया राम दौड़ता है तो इसमें एक करता है राम और एक क्रिया है दौड़ता है वाक्य यहीं समाप्त हो गया पूरा है वाक्य क्योंकि इसमें क्रिया है जब क्रिया रहती है तो वाक्य पूरा होता है बिना क्रिया के वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्शन जब तक नहीं है क्या हो रहा है जब तक वो नहीं बताया जा रहा तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा लेकिन यदि मैं कहूं कि राम तेज दौड़ता है तो जो तेज शब्द है वो क्या है तेज विशेषण है तेज क्या है विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है क्या संज्ञा की विशेषता बता रहा है संज्ञा की जब विशेषता बताते हैं तो क्या होता है वो एडजेक्टिव। लेकिन यहां एडजेक्टिव तो है ही नहीं यहां संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्या तेज राम तेज राम तेज है ऐसा तो नहीं कह रहा हूं राम तेज दौड़ता है राम रंस क्विकली तो दौड़ने की स्पीड बता रहा है यानी कार्य की गति बता रहा है तो जो गति बता रहा है वो उसकी विशेषता तो बता रहा है ना तो कार्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण दिस इज वेरी स्वीट मैंगो लेट अस लुक एट दिस सेंटेंस राम रंस क्विकली सेकंड दिस इज वेरी स्वीट मैंगो थर्ड इज गोविंद रीड्स क्वाइट अर्ली गोविंद रीड्स क्वाइट अर्ली क्वाइट अर्ली अब ये तीन वाक्य देखिए पहला क्विकली है क्विकली में दौड़ता है यानी क्रिया के बारे में बता रहा है कैसे दौड़ता है तेज दौड़ता है ठीक राम के बारे में नहीं बता रहा क्रिया कैसी कर रहा है तेजी से करता है तो विशेषता किसकी क्रिया की दूसरे वाक्य में क्या है दिस इज वेरी स्वीट मैंगो दिस इज वेरी स्वीट मैंगो स्वीट और वेरी इसमें वेरी जो बताता है वो कितना कितनी मात्रा में वो डिग्री तो स्वीट का विशेषण है वेरी कितना मीठा है मीठा है कितना मीठा है मीठा क्रिया है क्या मीठा क्रिया नहीं है मीठा विशेषण है पर कितना मीठा है बहुत मीठा है कितना मीठा है बहुत मीठा है तो वाक्य दो में वेरी बताता है कि आम कितना या कितनी मात्रा में मीठा है अर्थात स्वीट विशेषण को वो स्पष्ट करता है स्वीट जो है जो विशेषण है उसके बारे में बताता है विशेषण के बारे में बता रहा है और तीसरा वाक्य देखो यहां तीसरा वाक्य है गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली गोविंद रीड्स नॉट अर्ली गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली क्वाइट बताता है कि गोविंद किस सीमा तक साफ पढ़ता है क्लियरली मतलब साफ पढ़ना किस सीमा तक साफ पड़ता है यानी क्लियरली जो है वो क्रिया को क्रिया विशेषण को क्वाइट को स्पष्ट करता है ये किस वाक्य में तीसरे में तो किसी क्रिया किसी विशेषण या क्रिया विशेषण को स्पष्ट करने वाला जो शब्द हो वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है मैं फिर से दोहरा दूं किसी क्रिया को या किसी विशेषण को दूसरे वाक्य में वेरी स्वीट किसी विशेषण को स्पष्ट करने वाला और या किसी क्रिया विशेषण को बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है एडवर्ब कहलाता है क्विकली वेरी और ऐसी क्वाइट ये क्या हो गया क्रिया विशेषण हो गया तो परिभाषा क्या होगी क्रिया विशेषण की आई थिंक विद दीज एग्जाम्पल्स यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड समझना एक है उसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है तो क्रिया विशेषण क्या शब्द है एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है या उसको उसको सीमित करता है उसको परिभाषित करता है उसको उसकी सीमा बताता है मीठा है बहुत मीठा है कम मीठा है तेज है धीमा है ऊंचा है छोटा है ये बहुत छोटा है छोटा है तो बहुत छोटा है ऊंचा है बहुत ऊंचा है तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा बहुत तो <coughs> so यहां पे क्या होगा क्रिया विशेषण वो शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है उसको सीमित करता है दिस इज वॉट इज एडवर्ब अब देखो आगे कुछ और वाक्य देखते हैं शी हूँ सिटिंग क्लोज बिसाइड बिसाइड मी मी शी सिटिंग क्लोज मेरे पास बाजू में बैठी थी मेरे पास यहां क्लोज हुआ क्रिया विशेषण एट वॉट आवर इज द सन राइट अबव अस ठीक हमारे ऊपर राइट अबव अस में राइट right जो है वो क्रिया विशेष ठीक हमारे ऊपर कितने बजे आता है हैव यू रेड ऑल थ्रू दिस बुक हैव यू रेड ऑल थ्रू ऑल पूरा संपूर्ण हैव यू रेड ऑल थ्रू दिस बुक ऑल इज क्रिया विशेषण क्लोज इज क्रिया विशेषण और राइट इज क्रिया विशेषण राइट अबाउट ठीक मेरे ऊपर क्रिया विशेषण एडवर्ब इसमें अब चलिए हम कुछ और प्रकारों पर जाते हैं और उनका वर्गीकरण तो बाद में करेंगे पर पहले हम थोड़ा और देखें और स्पष्ट करें कि क्रिया विशेषण या एडवर्ब कैसे बनता है या क्या होता है हियर इज अ सेंटेंस शी वॉज सिटिंग शी वॉज सिटिंग क्लोज टू मी मेरे पास बैठी थी अब ये क्लोज जो वर्ड है ये एडवर्ब है क्यों बैठी थी क्रिया को बताता है कि कहाँ बैठी थी मेरे पास बैठी थी विशेषता बता रहा है क्रिया की कहाँ बैठी थी वेयर वॉज शी सिटिंग शी वॉज सिटिंग क्लोज टू मी सो क्लोज इज एन एडवर्ब एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स यू द क्वालिटी टू वर्ब क्रिया के साथ क्रिया की विशेषता बता रहा हो तो यहां पे क्या क्रिया है बैठी है कहाँ बैठी है मेरे पास बैठी है राइट अब ठीक हमारे ऊपर कितने बजे होता है अब यहां देखिए क्रिया नजर नहीं आ रही है एट वॉट अवर इज sun राइट right above अस क्रिया जो है वो इज है कहां है ऊपर है ऊपर है कहां है ऊपर है राइट right अब ठीक हमारे ऊपर तो यदि सवाल आता विशेषता है और क्रिया को बता रहा है तो क्रिया विशेषण कहलाएगा हैव यू रेड ऑल थ्रू दिस बुक हैव यू रेड क्या आपने पढ़ा है ऑल आपने पढ़ा है क्या पूरा पूरा पढ़ा है तो ये क्रिया की पढ़ना की विशेषता बता रहा है पढ़ना क्या है क्रिया और क्रिया क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं एक्शन क्रिया एक्शन है तो एक्शन क्या हो रहा है पढ़ना कितना पढ़ना पूरा पढ़ना तो विशेषता पूरा हुई ही वॉज ड्रेस्ड शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट पहनी हुई थी क्या पहनी हुई थी कुर्ता तो वो तो विशेषता नहीं बता रहा है कैसी पहनी हुई थी ऑल पूरा वाइट में पूरे सफेद पहनी हुई थी कैसा पहनी हुई थी पूरा सफेद तो पहनी हुई थी की विशेषता बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण हो जाएगा क्योंकि पहनी हुई एक क्रिया है ये इसके ऐसे जो वाक्य हैं इसको हम कहते हैं फ्रेज यहां इन वाक्यों में क्रिया विशेषण जो है फ्रेज को स्पष्ट करता है पूरे फ्रेजेस को बताता है क्लोज बिसाइड हिम एट वॉट अवर इज सन राइट अब आस फ्रेज बता रहा अगला हम देखें कि वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयुक्त होकर कई बार बिल्कुल वाक्य के शुरू में है अभी जो हम देख रहे थे तो उदाहरण इसमें बीच में आ रहा है क्लोज राइट रेड ऑल ड्रेस्ड ऑल एक्सेट्रा अब शुरू में ही क्रिया विशेषण कैसे आता है वाक्य है प्रॉबेबली ही इज मिस्टेकन प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन अब मिस्टेकन मतलब गलती हो गई है संभवतः उससे गलती हो गई संभवतः वह गलत है संभवतः वह गलत है कैसा है गलत है ठीक क्रिया गलत है इसमें अब ये देखिए प्रॉबेबली जो वर्ड है वो संभावना बता रहा है संभवतः विशेषता किसकी बता रहा है क्रिया की बता रहा है गलत होने की विशेषता कि गलत पूरा नहीं है बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है संभवतः वह गलत है मुझे नहीं मालूम वो पूरा गलत है मुझे नहीं मालूम कि वो बिल्कुल गलत नहीं है तो गलती कैसी है कितनी है क्वांटिटी क्या है गलती की इसकी विशेषता बता रहा है है कि नहीं है गलती ये बता रहा है तो संभवतः प्रॉबिबली पॉसिबली इट इज़ एज यू से पॉसिबली इट इज़ एज यू से पॉसिबली मतलब क्या हुआ शायद इट इज एज यूज जैसा तुम कहते हो शायद जैसा तुम कहते हो कैसा कहते हो जैसा तुम कहते हो पॉसिबली शायद शायद शब्द फिर विशेषता बता रहा है क्रिया की विशेषता बता रहा है क्रिया की इसलिए वह क्रिया विशेषण है जिसे अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं क्स्ट अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर दुर्भाग्य से वहां कोई उपस्थित नहीं था कोई उपस्थित नहीं था क्रिया क्या है उपस्थित होना या उपस्थित ना होना उपस्थित होना और उपस्थित होना की विशेषता किस शब्द से दिख रही है अनफॉर्च दुर्भाग्य से ये पूरे वाक्य के लिए अब देखिए इस इन वाक्यों में खासियत यह है कि शुरू में तो उसका उपयोग करते हैं और ये किसी शब्द को स्पष्ट ना करके पूरे वाक्य के लिए लागू हो रहा है पूरे वाक्य को सीमित कर रहा है या पूरे वाक्य को स्पष्ट कर रहा है प्रॉबेबली ही इज मिस्टेकन पूरा वाक्य पूर, गलती कर रहा है संभवतः वह गलती वह गलती कर रहा है संभवतः पॉसिबली इट इज एज यू से तुम कहते हो अनफॉर्चुनेटली नो वन प्रेजेंट दे कोई उपस्थित नहीं था दुर्भाग्य से लकी हीप्ड अनहर्ड लकीली हीप होना मतलब बच जाना अनहर्ड मतलब बिना चोट के बिना घायल हुए वह बिना घायल हुए बच गया ठीक सौभाग्य से लकीली मतलब सौभाग्य से लक माने भाग्य तो लकीली बना सौभाग्य से अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से प्रॉबेबली संभवतः पॉसिबली शायद चारों में देखिए आप क्रिया विशेषण शुरू में है और पूरे वाक्य की ओर इशारा कर रही है किसी एक शब्द की ओर नहीं लेकिन क्रिया की विशेषता बता रही है और एक चीज और आप गौर करिए एल वाई लगा हुआ है जितने भी यहां पे क्रिया विशेषण आप देख रहे हैं एल वाई दूसरे शब्दों में एक और नियम आप समझ लें एल वाई जब लगता है अधिकतर तो समझ लीजिए कि वह क्रिया विशेषण होगा इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एल वाई एट द एंड इंडिकेट्स क्रिया विशेषण लक से लकीली अनफॉर्चुनेट से अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल से पॉसिबली और प्रॉबेबल से प्रॉबेबली विशेषण है विशेषण में वाई लगा दिया तो क्रिया विशेषण सो आई थिंक नाउ इट इज प्रेटिक क्लियर टू यू कि क्या है क्रिया विशेषण अब उसके टाइप्स पे जाते हैं थोड़ा सा हम एक नजर सरसरी नजर टाइम्स पे देखें पहला तो है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को हम कैसे बांटते हैं अर्थ के आधार पे पहला तो है कालवाचक कालवाचक यानी एडवर्ब ऑफ टाइम समय बताता हो वह लेट आया आया क्रिया है कब आया कैसे आया लेट आया तो लेट क्या हो गया क्रिया विशेषण हो गया आई हैव हर्ड दिस बिफोर मैंने सुना है आई हर्ड मैंने सुना है पहले कब सुना है पहले सुना है कि विशेषता बता रहा है उत्प्रश्न में सुना कब सुना है होगा उसकी विशेषता बता रहा है पहले सुना समय बता रहा है पहले बाद में अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद वी शेल नाउ बिगिन अवर वर्क वी शेल नाउ बिगिन अवर वर्क अब हम शुरू करेंगे काम काम शुरू करेंगे कब अब काम शुरू करने की विशेषता बता रहा है कब हम शुरू करेंगे अब शुरू करेंगे दैट डे ही अराइव्ड लेट दैट डे ही अराइव्ड लेट उस दिन वह विलंब से आया कैसे आया विलंब से आया आया क्या क्रिया विलंब क्या एडवर्ब विशेषता बता रहा है लेट आया विलंब से आया एंड केम सून जो अंत है वह जल्दी आ गया एंड केम सून अंत जल्दी आ गया कब आया जल्दी आया मैं इस ओर बार बार आपको इशारा कर रहा हूं कि ये क्रिया विशेषण है इसको तो आप समझ गए. अब यह है समय वाचक समय बता रहा है कालवाचक इसे हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें काल बता रहा हो कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम आई मैंने उससे बात कर ली है क्या कर ली है बात कर ली है तो क्रिया क्या है बात करना यह वाक्य पूरा है अब इसमें हम एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे जोड़ेंगे या कौन सा एडवर्ब हम जोड़ सकते हैं बात कर ली है अच्छे से बात कर ली है आई हैव टॉक टू हिम क्लियरली अच्छे से बात कर ली आई हैव टॉक टू हिम ऑलरेडी समय वाचक की यदि बात करें तो ऑलरेडी कालवाचक की यदि बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो आई हैव टॉक टू हिम ऑलरेडी आई हैव टॉक टू हिम बिफोर आई विल टॉक टू हिम लेटर आई विल नेवर टॉक टू हिम नेवर कभी नहीं वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न खोया हुआ समय बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आता बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस समय, कभी बर्बाद किया हुआ समय नहीं आता ये तो हो गया प्लेन वाक्य हम उस पर आता पे हम जोर देना चाह रहे हैं इसका विशेषण है क्या कभी नहीं आता कभी कभी आता है ऐसा नहीं कभी नहीं आता हम ये भी कह सकते हैं वेस्टेड टाइम एट टाइम्स रिटर्न जो सच्चाई तो नहीं है लेकिन एट टाइम्स भी समय बताता है तो एक कालवाचक है दूसरा भेद अब आते हैं दूसरा भेद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बार बार कभी कभी जब तब यह जो होता है एक बार ये जो वाक्य हैं ये ये भी क्रिया की विशेषता होता है वह बार बार आता है वह कभी कभी जाता है वह बिल्कुल ही नहीं नहाता ये जो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल बार बार एक बार कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं बार बार होने वाली चीज़ को की फ्रीक्वेंसी होती है इसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं जिसको आप हिंदी में आवृत्ति कहते हैं उसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ये फिजिक्स का विषय है और गहरा लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी मतलब उसके उस उसका रिपीटिशन कितना होता है कितनी बार वो आता है कम बार आता है बहुत बार आता है एक बार आता है बार बार आता है आता ही नहीं ये जो शब्द हैं ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं किसकी क्रिया की उदाहरण के लिए आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया है कितनी बार दो बार तो दो बार जो है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया ऐसे ही ही ऑफन कम्स लेट ही ऑफन कम्स लेट वह अधिकतर विलंब से आता है ऑफन मतलब अधिकतर ऑफन मतलब अधिकतर विलंब वह विलंब से आता है ऑफन कम्स लेट ऑफन यहां पे क्या हो गया क्रिया विशेषण राइट नेक्स्ट इज ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स यहाँ भी मेक करता है गलतियाँ करना टू मिस्टेक मतलब गलतियाँ करना ऐसे ही फ्रीक्वेंटली कम्स टू माई हाउस फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार बहुत जब तब फ्रीक्वेंटली कम्स टू माई हाउस ही कॉल्ड हिम अगेन द पोस्टमैन कॉल्ड मी अगेन फिर से बुलाया बुलाया फिर से बुलाया तो ये हो गया जो फ्रीक्वेंसी बताता है किसी चीज के होने की फ्रीक्वेंसी बताता है पहला वाला था काल बताता है समय बताता है दूसरा वाला हो गया फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी बार वह चीज होती है होती है कि नहीं होती है कोई सी क्रिया क्या चीज होती है नहीं होती क्रिया कितनी बार होती है उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस नाम से बड़ा स्पष्ट है जो जगह बताता है सिटिंग क्लोज टू मी पहला वाक्य एक मैंने आपको बताया था सीता व सिटिंग क्लोज टू मी मेरे पास बैठी थी स्टैंड हीयर खड़े रहो कहा किसकी विशेषता बता रहे है क्रिया की स्टैंड हीयर खड़े रहो यहां खड़े रहो He goes everywhere. वो हर जगह जाता है हर जगह जाता है जाता है कहाँ हर जगह He goes everywhere. The horse galloped away. गैलप Gallop करना मतलब घोड़े की जो चाल होती है उसकी गैलपिंग कहते हैं एक तरह की चाल को जो सामान्य चाल घोड़े की होती है उसे हम गैलपिंग कहते हैं कूदते हुए चलना तो ही गैलब अवे वह दूर चला गया कहाँ गया दूर गया तो अवे जो है वह क्या हुआ विशेष एडजेक्टिव और किस चीज़ का एडजेक्टिव प्लेस का क्योंकि जगह बता रहा है दूर पास अंदर बाहर ऊपर नीचे ये सब जगह बता रहा है तो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस काम कहाँ हुआ वो एक्शन कहाँ हुआ उसे बताता अगला है चौथा एडवर्ब ऑफ मैनर मैनर बताते हैं रीति बताता है मैनर माने रीति एडवर्ब ऑफ मैनर मैनर मतलब कैसे होगा किस तरीके से हुआ किस प्रकार हुआ कैसे हुआ कार्य कैसे हुआ गोविंद रीड्स लाउडली गोविंद रीड्स लाउडली गोविंद जोर जोर से पढ़ता है गोविंद जोर जोर से पढ़ता है यू फोट ब्रेवली फॉट फाइट फॉट फॉट फाइट मतलब लड़ाई लड़ना यू फोट ब्रेवली तुमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी कैसे लड़ाई लड़ी बहादुरी से क्या बताता है ये मैनर बताता है तरीका बताता है किस प्रकार आपने लड़ाई लड़ी ये बताता है So, पहला था काल, दूसरा था फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस और चौथा है एडवर्ब ऑफ मैनर एक और उदाहरण एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली वी लेड हिम डाउन स्लोली वी लेड हिम डाउन उसे फिर हमने रख दिया उसको चला दिया लेड हिम डाउन किसी को दफनाना भी बोलते हैं टू ले डाउन स्लोली धीरे धीरे मैनर मैनर बता रहा है स्पीड कैसी थी वो बता रहा है धीरे धीरे ये ना प्लेस है ना फ्रीक्वेंसी बता रहा है और ना ही काल समय बता रहा है तो ये क्या बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर आई वॉज आई वॉज वर्किंग हार्ड आई वॉज वर्किंग हार्ड काम कर रहा था कैसा कड़ी मेहनत कड़ा आई वॉज वर्किंग हार्ड वर्किंग की विशेषता बता रहा है हार्ड ही टॉक टू मी हार्शली उसने बड़े कड़वाहट से मुझे बात की ही टॉक टू मी हार्शली ये मैनर बता रहा है मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर प्रकार तरीका इसमें सभी क्रिया विशेषण आते हैं जो विशेषण से बनते हैं और जिनके अंत में एल वाई लगता इस वर्ग में आप देखेंगे जो एडवर्ब ऑफ मैनर है सभी एल वाई और एल वाई किस में लगाते हैं विशेषण में विशेषण में एल वाई लगाए तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है इफ़ यू एड एल वाई टू सर्ट एन एब्जेक्टिव दे बिकम एडवर्ब दैट इज वॉट इज द लॉ दैट यू शुड अंडरस्टैंड एडवर्ड के टाइप्स में द नेक्स्ट वन इज ऑफ डिग्री बहुत सरल है एडवर्ब ऑफ डिग्री जो बताता है डिग्री या मात्रा क्वान्टिटी या मात्रा कितना कितना काम कितनी मात्रा जिसमें यह दिखे वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहलाता है किस सीमा तक हुआ है कितना हुआ है बहुत काम हो गया बहुत सुस्त है आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड मैं पूरी तरह तैयार हूं अब ये क्या बता रहा है आधा तैयार नहीं हूं पूरी तरह तैयार हूँ। कितना तैयार हो आई एम प्रिपेयर फुल्ली फॉर द एग्जामिनेशन आई एम प्रिपेयर फुल्ली फॉर द ट्रैवल यात्रा के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं तो कितना तैयार हूं पूरी तरह तो पूरी तरह क्या हुआ फुल्ली क्या हुआ एडवर्ब कौन सा एडवर्ब ये एडवर्ब हुआ एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री आधानी पूरा उसके बाद नेक्स्ट इज इसी में और उदाहरण दे यू आर क्वाइट रोंग यू आर क्वाइट रोंग तुम बिल्कुल गलत हो यू आर क्वाइट रॉन्ग बिल्कुल गलत कितने हो बिल्कुल गलत आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री को जानने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले जो चार एडवर्ब हुए हैं उसमें से किसी में भी ये आ नहीं सकता न काल में ना फ्रीक्वेंसी में न प्लेस में न टाइम पे किसी में भी नहीं आ सकता तो फिर ये इसमें आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री पूरी तरह आई एम रादर बिजी मैं थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हूँ रादर मतलब क्या होता है? थोड़ा ज्यादा आई एम रादर बिजी मैं थोड़ा ज्यादा व्यस्त हूं कितना व्यस्त हूं थोड़ा ज्यादा तो कितना कितनी मात्रा कितना काम किस सीमा तक हुआ है ये यदि बताना है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आई एम सो ग्लैड ग्लैड मतलब क्या होता है खुश होना आई एम सो ग्लैड मैं बहुत खुश हूं कितना खुश हो बहुत खुश हूं क्रिया क्या है खुश होना कितना खुश बहुत खुश बहुत क्या बता रहा है मात्रा बता रहा है क्वांटिटी बता रहा है डिग्री बता रहा है तो इसलिए बहुत क्या है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एडवर्ब ऑफ डिग्री शी सिंग्स प्रेटी वेल प्र मतलब बहुत अच्छा शी सिंग्स प्रेटी वेल वह अच्छा गाती है कैसा गाती है अच्छा गाती है गाने की विशेषता बता रहा है शी सिंग्स बैड विशेषता बता रहा है बैड प्रति विशेषता बता रहा है तो क्या है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ एफरमेशन या नेगेशन जैसे हम कह सकते हैं निषेधात्मक या स्वीकारात्मक एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एफर्मेशन और नेगेशन, जिसमें हम मना कर, श्योरली यू आर मिस्टेकन हम मानते हैं कि तुम गलत हो तुम गलत हो की विशेषता बता रहा है हम मानते हैं ही सर्टनली वेंट वह निश्चित रूप से गया वह गया गया क्रिया हो गई और यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहा है कंफर्म कर रहा है अफर्म कर रहा है स्वीकार कर रहा है कि वह गया निश्चित रूप से गया तो ये वक्त को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि स्वीकारात्मक और निशे निषेधात्मक क्या होगा आई डू नॉट नो हिम आई डू नॉट नो हिम मैं उसे नहीं जानता तो so नॉट जो है वो हो जाएगा एडवर्ब एडवर्ब ऑफ एफरमेशन एडवर्ब ऑफ नेगेशन नेगेटिव है नेगेट कर रहा है तो so कर रहा है तो आई डू नॉट नो हिम नो आई नो हिम विशेषता क्या बता रहा है क्रिया जानना जानना की विशेषता क्या नहीं जानना नहीं और so नहीं जो है वह क्या हो गया नेगेशन कौन क्या नेगेशन एडवर्ब ऑफ नेगेशन नेगेटिव एडवर्ब राइट नेक्स्ट इज ऐसे कुछ क्रिया विशेषणों में से कुछ एक से अधिक वर्ग में आ सकते हैं वी आर कमिंग टू लास्ट बट वन एक होता है रीजन एडवर्ब ऑफ रीजन एडवर्ब ऑफ रीजन में ही देर फोर लेफ्ट स्कूल ही देयर फोर लेफ्ट स्कूल टू लीव माने छोड़ देना उससे बना लेफ्ट लीव लेफ्ट लेफ्ट ही लेफ्ट स्कूल उसने स्कूल छोड़ दिया इसलिए स्कूल छोड़ दिया यदि हमको बोलना है उसने स्कूल इसलिए छोड़ दिया तो इसलिए जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में क्या है देर फोर और तो देर फोर किसके लिए आ रहा है क्रिया के लिए आ रहा है उसकी विशेषता बता रहा है क्यों छोड़ा इसलिए छोड़ा पहले कुछ बात हुई होगी उस बात के परिप्रेक्ष्य में अंत में मैंने कहा इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया तो स्कूल छोड़ दिया छोड़ना एक क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है इसलिए तो दिस इस विल बी एडवर्ब ऑफ रीजन एडवर्ब ऑफ रीजन देअर फॉर कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो एक से ज्यादा भेद में आ सकते हैं एक से ज्यादा प्रकारों में उसको जोड़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी डिलाइटफुली ही टोल्ड मी डिलाइटफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है कैसे बताया खुश हो बताया द वेदर इज डिलाइटफुली कोल्ड द वेदर इज डिलाइटफुली कोल्ड कितना ठंडा है डिलाइटफुली ठंडा है इतना ठंडा है जिसमें मज़ा आ रहा है तो वो डिग्री बता रहा है मैनर यहां नहीं बता रहा है यहाँ डिग्री बता रहा है लेकिन शब्द है डिलाइटफुल दोनों में एक में तरीका बता रहा है कैसा गाती है अच्छा गाती है कैसा मौसम है अच्छा मौसम है ठंडा कितना ठंडा डिलाइटफुल ऐसे ही हम डिलाइट का और उपयोग करें तो उसके डिग्री और मैनर के बाद हम देखें डोंट गो फार दूर मत जाओ दूर क्या बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस दूरी बता रहा है जगह बता रहा है स्थान बता रहा है एंड ही इज फार बेटर अब ये क्या बता रहा है ही इज बेटर बेहतर और और उससे भी बेहतर फार बेटर तुलना कर रहा है डिग्री बता रहा है तो यहाँ पे फार डिग्री में उपयोग हुआ ऐसे ही फार प्लेस के लिए उपयोग हुआ डिलाइटफुली मैनर के लिए भी हुआ और डिलाईट डिग्री के लिए भी हुआ इन अदर वर्ड देर आर फ्यू एडवर्ब विच कैन कम इन मोर देन वन कैटेगरी दैट वी हैव स्टडीड। राइट? ऊपर के जो, जो भी मैंने उदाहरण दिए ये सब एडवर्ब है इज क्लियर नाउ और ये जो उदाहरण थे दे आर कॉल्ड सिंपल एडवर्ब्स, जो हमने कैटेगरी बनाई चार पांच बताया आपको दे आर कॉल्ड सिंपल एडवर्ब अकेले अकेले प्रयुक्त होने पर यस और नो ये भी सेंटेंस माने जाते हैं अकेले अकेले यदि अकेले अकेले उपयोग करोगे तो वो भी सेंटेंस माने जाएंगे और उसके बराबर माने जाते हैं बल्कि हैव यू टाइप द लेटर आंसर इज यस या आंसर इज नो हियर यस मीन्स आई हैव टाइप द लेटर आई हैव टाइप द लेटर सो येस इज वॉट एडवर्ब येस इज वॉट एडवर्ब सिमिलरली नो दैट इज ऑल्सो एडवर्ब ना लेट डू सम कौन सा एडवर्ब इसमें से है और किस कैटेगरी का है सम फाइव सिक्स सेंटेंसेस कौन से एडवर्ब है और किस कैटेगरी ही वॉज इल प्लीज इल प्लीज मतलब प्लीज मतलब खुश होना इल प्लीज मतलब ना खुश होना किस कैटेगरी में आएगा देखिए वट कैटेगरी विल इट कम सिमिलरली ट्राई अगेन फिर कोशिश करो कोशिश करो फिर कोशिश करो कोशिश करने के लिए फिर शब्द लगाया फिर से कोशिश करो तो so अगेन यहां पर जो है वो एडवर्ब है अब कौन सा एडवर्ब है यू फाइंड आउट इल प्लीज में कैसा है नाखुश है इल दैट इज एडवर्ब बट वॉट एडवर्ब फाइंड आउट द कैटेगरी वी रोज वेरी अर्ली वी गॉट अप वेरी अर्ली हम बहुत जल्दी उठ गए उठ गए उठना क्रिया है जल्दी उठ गए तो जल्दी क्या है क्रिया विशेषण एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है टाइम बता रहा है ना इट्स शोइंग अस टाइम यस तो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर हम जल्दी उठ गए पहले उठ गए बाद में उठ गए तो फ्यू मोर सेंटेंसेस आई एम सो ग्लैड टू हियर इट ये कौन सा है आई एम सो ग्लैड टू हियर इट इसमें एडवर्ब कौन सा है एडवर्ब है ग्लैड क्या है अब ग्लैड भी एक वर्ब है टू हियर भी एक वर्ब है तो आपको कंफ्यूजन इस बात का नहीं होना चाहिए कि एडवर्ब जो है वो किसके लिए है ग्लैड के लिए है या टू हियर के लिए टू हियर में तो कोई एडवर्ब नहीं है आई एम ग्लैड टू हियर इट मुझे अच्छा लगा सुनकर और हिंदी में क्या अनुवाद होगा आई एम सो ग्लैड टू हियर इट मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा तो अच्छा लगा कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा लगना और कैसा लगा अच्छा लगा सो so ग्लैड बहुत अच्छा लगा तो क्या बता रहा है ये किस में आएगा आप पता करिए इसको कट इट लेंथ वाइज कट द केक लेंथवाइज केक को लंबा काटो कट द शर्ट लेंथ वाइज कट द क्लॉथ नॉट द शर्ट कट द क्लॉथ लेंथ वाइज लंबान में काटो कैसे काटो काटना कैसी विशेषता क्या विशेषता लंबान में लेंथ वाइज क्या विशेषण है क्या एडवर्ब है? है थोड़ा देखें नेक्स्ट इज आई एम मच रिलीव्ड टू हियर इट रिलीव मने तसल्ली होना आई एम मच relieved, मुझे बहुत तसल्ली हुई ये सुनकर मुझे ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई मुझे ये सुनकर तसल्ली हुई तसल्ली होना एक क्रिया है उसका एडवर्ब क्या होगा बहुत कैसी तसल्ली हुई बहुत हुई अब इसका कौन सी श्रेणी में आएगा बहुत किस में आएगा इट इज सर्टनली नॉट ऑफ प्लेस जगह नहीं बताता इट सर्टनली नॉट ऑफ टाइम समय भी नहीं बताता इट इज सर्टनली नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं हो रहा है तो फिर क्या है तो आप देखें अब ये तीन तो मैंने बता दिया नहीं है तो और क्या हो सकता है फाइंड आउट नेक्स्ट इज दैट इज वेल सेड दैट इज वेल सेड कैसा कहा अच्छा कहा कौन सी क्रिया होगी कैसा कहा अच्छा कहा उसे मैं अरे दैट इज वेल सेड उसने वो अच्छा कहा कैसा कहा कहना की विशेषता बता रहा है अच्छा तो अच्छा क्या आएगा क्या काल है फ्रीक्वेंसी है मैनर है या प्लेस है या कुछ और है यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू यू डू योर वर्क एबिट ऑन द डोट गो फॉर द रेडीमेड आंसर फ्रॉम अस लाइक दिस लास्ट टू सेंटेंसेज मोर द सीक्रेट इज आउट द सीक्रेट इज आउट सीक्रेट आउट होना मतलब जो बात गुप्त रखी गई थी वो खुल गई है तो बात गुप्त रखी गई थी इस क्रिया है आउट बाहर हो गई क्या हो गई बाहर हो गई जो सीक्रेट था वो बाहर निकल आया आउट तो so इसमें एडवर्ब कौन सा है और कौन सा एडवर्ब है एंड द लास्ट वन दैट वी कैन डू इज हिज हेल्थ इज नो वर्स देन बिफोर हिज हेल्थ इज नो वर्स देन बिफोर उसकी तबीयत पहले से कोई ज़्यादा नहीं बिगड़ी है फिर तबीयत इज हिज हेल्थ इज नो वर्स देन बिफोर पहले ही जैसी है पहले ही जैसी है स्वास्थ्य पहले ही जैसा है इसमें आप कौन सा एडवर्ब है और कौन सी श्रेणी का एडवर्ब है आइडेंटिफाई करें